हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गीता ऑथेंटिक खाना। मैं हूँ गीता। आज हम कुछ हटके स्वीट बनाएंगे, वो भी ना कभी बेकरीज में जाते हैं, कुछ कलरफुल डबल कलर्स में वेरी अट्रैक्टिव स्वीट्स तो होते हैं, लगता है खाने का बहुत मन करता है, वैसा ही स्वीट आज हम आपको बना के दिखाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है बनाने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। जैसे कि घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही अच्छे से बना सकते हैं। यकीन नहीं है तो फॉलो मी टिल द एंड। 6 कप स्वीट के लिए 1 टेबल स्पून ऑफ राइस हाफ एन आवर के लिए भिगो के रखे हैं। 7 to 8 बादाम 2 आवर्स के लिए भिगो के रखे हैं। 3 इलायची, कंडेंस्ड मिल्क, ये तो मैंने घर पे ही बनाया। शुगर 4 स्पून हमने डाले हैं, ये स्वीट इतना ज़्यादा मीठा नहीं होगा। बादाम, इलायची और राइस ग्राइंड करके अलग रखेंगे। हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ मिक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क में डाल के गैस पे अच्छे से पकाएंगे। इसी के साथ ना एक फ्रेश कोकोनट पीस डाल के ग्राइंड करेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। इट विल वेरी टेस्टी। ये गैस पे चढ़ाने के बाद कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। देखिए अभी पता चल रहा है बहुत जल्दी, विद इन नो टाइम, जैसे कि 2 मिनट में गाढ़ा बन जाती है। देखिए उबाल आ गए इसमें। ये जो स्वीट बनाने के लिए जो कप्स लिए हैं ना, छोटे छोटे लिए हैं मैंने, इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में राइस भी लिए हैं। ये जो स्वीट है ना, मीठा कम खाने वाले भी अच्छे से खाएंगे, क्योंकि इसमें मीठापन कम होगा मगर बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें 4 स्पून ऑफ शुगर डालने के बाद आपको पसंद है तो कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर ऐड किए हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ पिंक कलर। गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने के बाद कलर भी ऐड करेंगे। मैंने पिंक कलर ऐड किए हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ पिंक कलर। यहाँ पे मैंने लिक्विड कलर 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं, दैट टू पिंक कलर। आपके पसंद का कलर ऐड कर सकते हैं। अगर जो किसी को नेचुरल चाहिए तो बीटरूट कलर भी ऐड कर सकते हैं। बीटरूट पाउडर मतलब नेचुरल है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कलर अच्छे से मिक्स करेंगे। इवन थिकनेस देख लीजिए, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं होना है। जो लोग इलायची पसंद नहीं करते हैं ना, बहुत गाढ़ा लगता है, वो लोग केसर ना 5 to 6 कली दूध में हाफ एन आवर के लिए भिगो के इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन कलर भी केसर कलर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी स्वीट तैयार हो गई है, कप्स में सर्व करेंगे। जैसे कि 2 स्पून ऑफ ये जो मिक्स ऐड करेंगे हर एक कप में, मतलब जैसे कि हाफ पार्ट आने तक। अभी फिर नहीं कप्स में डाल रहे हैं, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। जब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे ना, आपको डबल डकर जैसे दिखेगा। फिरनी का कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला है तो रबड़ी इसमें मिक्स हो जाएगा, आपको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ना और भी थोड़ा डिफरेंट बनाने चाहेंगे तो आप रोस्टेड नट्स है ना, यहाँ भी डाल दीजिए। इवन जो ड्राई फ्रूट्स खाने वाले हैं ना, पसंद करने वाले, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेके यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। 1 लेयर ऑफ फिरनी तो ले लिए हैं, ये तैयार है हमारे। इसके ऊपर हम अभी रबड़ी डालेंगे, जो घर पे बनाया हुआ रबड़ी है। ये जो रबड़ी है ना, हमने घर पे बनाए हैं, अनफ्लेवर्ड अनस्वीटेंड रबड़ी है, इसीलिए पहले ही फिरनी में राइट क्वांटिटी ऑफ शुगर पहले ही डाल चुके हैं। यहाँ पे मैंने आधा फिरनी आधा रबड़ी लिए हैं, 3/4 फिरनी 1/4 रबड़ी भी ले सकते हैं। अभी ऊपर से नट्स डालेंगे ना, उसे थोड़ा पेशेंस से अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो क्रंची हो जाते हैं। उसे लंबाई में काट के इसके ऊपर जितना चाहिए उतना डेकोरेट कर सकते हैं। फ्लेवर्ड फिरनी अनस्वीटेंड एंड अनफ्लेवर्ड रबड़ी, और ऊपर से नाइसली फ्राई किया हुआ रोस्ट किया हुआ नट्स के साथ अच्छे से मिक्स करके खाएंगे ना, कुछ और खाने की क्या ज़रूरत है। आप भी ट्राई करके देखिए। घर पे कंडेंस्ड मिल्क है तो आप यू कैन प्ले विद दैट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट फ्लेवर्स में बना सकते हैं स्वीट्स। कंडेंस्ड मिल्क है तो ना डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट डाल के बना सकते हैं ये फिरनी। जैसे कि अभी मैंगो सीजन है ना, फिरनी वाइट कलर में बना के 1 लेयर इसके ऊपर मैंगो पल्प डालेंगे, उसके ऊपर कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इसमें ना घी है ना ऑयल है, कंडेंस्ड मिल्क यानी
रबड़ी से और 1 स्पून ऑफ राइस से कितने वेराइटीज बना सकते हैं, कितना फ्लेवर्स बना सकते हैं। और तो और स्वीट खाते समय या इवन खाने के बाद आपको हेवी भी नहीं लगेगा। ऐसे ही बहुत सारी वेराइटीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप भी घर पे बना के कमेंट कीजिए कैसे बनी है। पसंद आई तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ ऑल योर पीपल, लाइक एंड कमेंट। आप जब भी कोई भी वेराइटी बनाएंगे ना, कुक विथ पैशन, पैशन से कोई भी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती हैं। रबड़ी का रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, ज़रूर बना के दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।